शनि देव का एक ऐसा मंदिर जहां वो विराजित तो हैं, परंतु किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्यमय यंत्र के रूप में, जिसकी हजारों किलोमीटर विशाल आकृति ने शनि ग्रह के उत्तरी ध्रुव को पूरी तरह से अपने वश में किया हुआ है। आश्चर्य तो इस बात का है कि शनि ग्रह को छोड़कर अन्य किसी ग्रह में शनि देव की ये विशाल यंत्राकृति कहीं भी नजर नहीं आती। और आज मैं आपको बताऊंगा उसी रहस्य के बारे में जो भगवान शनि देव के इस रहस्यमय यंत्र और रिंग प्लैनेट सैटर्न यानी शनि ग्रह के बीच एक अबूझ पहेली को जन्म दे रहा है। और इस रहस्य को जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा तमिलनाडु के थिरुवन्नामलाई जिले में, जहां स्थित है भगवान शनिश्वर का मंदिर एंथिरा शनिश्वरा। यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शनि देव ना तो किसी शिला या फिर मूर्ति के रूप में स्थापित हैं, बल्कि वो इस मंदिर में शिवलिंग रूप में विराजित होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक मूर्ति है जिसमें भगवान शनि देव 5 कौवों द्वारा खींचे जा रहे एक रथ पर सवार हैं। इसके अलावा मंदिर में कई ऐसे चित्र हैं जिनमें ग्रह और उनके वाहनों को दर्शाया गया है। और अंदर प्रवेश करने पर हमें दर्शन होते हैं श्री शनि देव शिवलिंग के। इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 6.5 फुट है, जो कि 1.5 फुट चौड़ी पीठ पर स्थापित किया गया है। इस शिवलिंग के शीर्ष पर सूर्य और चंद्र विराजित हैं और मध्य में स्थित है शनि देव की सवारी कौवा। और शिवलिंग के मध्य में उत्कीर्ण है वो रहस्यमय षटकोणीय आकृति जो है शनि देव का शक्ति यंत्र। षटकोण रूपी शक्ति यंत्र के हर कोण पर त्रिशूल रूपी आकृति देखी जा सकती है। शिवलिंग में शनि यंत्र के दोनों ओर महालक्ष्मी यंत्र और पंचभूत यंत्र भी अभिमंत्रित हैं। श्री शनि देव शिवलिंग जिस पीठ के ऊपर स्थापित है उसी के निकट शनि देव की मां छाया देवी का यंत्र भी अभिमंत्रित है। ये यंत्र शनि देव के निकट ही जमीन में धसा हुआ पाया गया था। विद्वानों की माने तो श्री शनिश्वरा शिवलिंग पर उत्कीर्ण ये यंत्र लगभग 1500 साल पुराने हैं, यानी इन यंत्रों को शिवलिंग पर लगभग 1500 वर्ष पूर्व उकेरा गया था। माना जाता है कि एक राजा ने इस मंदिर का निर्माण विशेष रूप से शनि ग्रह के लिए कराया था, जिसमें शनि देव यंत्र को अभिमंत्रित करके शिवलिंग रूप में स्थापित किया गया था। परंतु समय के साथ मंदिर की संरचना तो मिट्टी में मिल गई, परंतु श्री शनिदेव शिवलिंग अपने स्थान पर ही स्थापित रहा। आखिर काल की क्या औकात जो महाकाल को टिका सके, वो भी ऐसा शिवलिंग जिसमें शनि देव भी विराजित हों। इस यंत्र का शनि ग्रह से जुड़ा हुआ जितना गहरा रहस्य है, उतनी ही रहस्यमय इसकी उत्पत्ति है। दरअसल अचानक एक दिन कुछ लोगों को एक पत्थर की शिला पर मंत्रों से उत्कीर्ण एक षटकोणीय आकृति नजर आई। उसके पश्चात जब विद्वानों ने उस पत्थर की शिला और उस आकृति को देखा तो उन्हें समझते देर न लगी कि ये कोई साधारण यंत्र नहीं है, बल्कि मंत्रों से अभिमंत्रित शनि देव यंत्र है, जिसमें भगवान शनि देव की शक्ति ज्यामितीय रूप में स्थापित है। और ये कोई पत्थर की शिला नहीं, बल्कि एक शिवलिंग है जिसमें ये यंत्र अभिमंत्रित करके उत्कीर्ण किया गया है। इसके पश्चात लोगों ने श्री शनिदेव शिवलिंग के लिए मंदिर का निर्माण किया, जिसका नाम पड़ा एंथिरा शनिश्वरा। और अब प्रारंभ होता है इस मंदिर का वो रहस्य जो मनुष्य की समझ से परे है। जहां मानवीय सोच समाप्त होती है, इस रहस्य का प्रारंभ वहीं से होता है, क्योंकि इस खेल के रचयिता हैं वो सिद्ध योगी, वो दिव्य मनुष्य, जिनके ज्ञान के आगे आधुनिक विज्ञान नतमस्तक हो जाता है। दरअसल शनि ग्रह का अध्ययन करने के लिए ग्रह के चारों ओर लगभग 9,02,000 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहे नासा के सैटेलाइट कैसिनी ने एक ऐसे चित्र को अपने कैमरे में कैद किया, जिसने एंथिरा शनिश्वरा मंदिर
और शनि ग्रह के बीच एक अद्भुत रहस्यमय सूत्र का निर्माण कर दिया। स्पेक्ट्रोमीटर तकनीक से लिए गए इस चित्र में स्पष्ट रूप से ऐसे घने बादलों को देखा जा सकता है जिसकी आकृति ठीक उसी प्रकार के षटकोण जैसी है जैसी आकृति शिवलिंग में स्थापित शनि यंत्र की है। शनि ग्रह पर षटकोणीय आकृति वाले इन घने बादलों ने ग्रह के उत्तरी ध्रुव को पूरी तरह से ढका हुआ है और इन घने बादलों का फैलाव लगभग 29,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। आश्चर्य तो ये है कि विद्वान भी इस आकृति को देखकर हैरान हैं। उनका कहना है कि इस तरह की आकृति अन्य किसी ग्रह पर आज तक देखी नहीं गई। और सबसे बड़ी बात ये कि शनि ग्रह पर बने षटकोण रूपी बादलों की संरचना स्थायी है, यानी ये पहले भी इसी आकार में थे और आगे आने वाले समय में भी इनका आकार षटकोण ही बना रहेगा। एंथेरम शनीश्वर मंदिर में 1,500 साल पहले शिवलिंग में उत्कीर्ण शनि यंत्र की आकृति और शनि ग्रह पर मौजूद बादलों की आकृति भी षटकोण होना मात्र एक संयोग नहीं हो सकता, बल्कि विद्वानों के अनुसार तो ये उन सिद्ध योगियों की दिव्य दृष्टि का परिणाम था जिन्होंने अब से लगभग 1,500 साल पहले ही शनि ग्रह पर पसरे षटकोण रूपी बादलों की शक्ति को देखा, परखा और शिवलिंग में उसी षटकोण रूप में स्थापित कर दिया जो कहलाया शनि देव यंत्र। ये भी संभव है कि शनि देव के षटकोण रूपी शक्ति का ज्ञान ऋषि मुनियों को कई हजार वर्षों पहले से रहा हो, पर वो हमारी दृष्टि में तब आया जब वो शिवलिंग में उत्कीर्ण मिला और जब विज्ञान ने उस आकृति को अपनी नजरों से ढूंढा। और यही रहस्योद्घाटन ग्रह नक्षत्र और विज्ञान को एक सूत्र में पिरोता है। आपका क्या मानना है हमें अवश्य बताइएगा और ऐसे ही आश्चर्यजनक वीडियोस को देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर अवश्य डालें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम शम शनिश्चराय नमः।